आज क्या है? जम के बोलो, वैकुंठ चतुर्दशी। भगवान शिव जी ने कहा, नारायण केवल इतना सा वर दीजिए, व्यक्ति हमेशा अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग का भोग भोगता है, वैकुंठ का भोग भोगता है, पर वैकुंठ चतुर्दशी का दिन केवल ऐसा रहे, एक दिन वैकुंठ का दरवाजा पूर्ण तरह से खुला रहे, कैसा भी पापी से पापी जीव भी हो, शिव और नारायण का नाम लेकर वैकुंठ में प्रवेश कर जाए, ऐसा वर। शिव सबसे निवेदन है, बड़े आनंद के साथ में अपने घर में वैकुंठ चतुर्दशी का स्मरण करो, लड्डू गोपाल पर, तुलसी दल और भगवान शिव पर बेलपत्री चढ़ाओ, चढ़ाकर थोड़ी देर रखने के बाद में जब रात्रि का समय हो, अगर ज्यादा रात तक नहीं जग सको 10-11 बजे तक, तो 9 बजे भी कर दोगे चल जाएगा, पर हे इसमें निशा का वर्णन, मतलब 11 बजे के बाद ही चढ़ाया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त के पहले। वैसे तो रात्रि के समय चढ़ाया लगभग आधा घंटा पौन घंटा चढ़े रहने दो, उसके बाद में आपको बेलपत्री जो आपने चढ़ाई है, ठाकुर जी को तुलसी, भोलेनाथ जी को बेलपत्र, रात्रि को आधे घंटे के लिए हरिहर मिलन जब कराओ, एक घी का दिया लगा दीजिए, भगवान को विनती करो, श्रीमन नारायण का जाप करो, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करो, या महामृत्युंजय का जाप करो, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप कर कर तुलसी दल उठाकर भगवान शिव को जब चढ़ाओ, तब श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय राम नाम कृष्ण नाम का जाप कर शिव जी को समर्पित कर दो, शिव जी की बेलपत्र उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलकर उस बेलपत्र को भगवान लड्डू गोपाल पर या शालिग्राम भगवान पर या भगवान विष्णु पर, जो भी आपकी यहाँ, अगर किसी के यहाँ पर मूर्ति नहीं है तो चित्रपट पर भगवान विष्णु का चित्र हो, फोटो हो, कृष्ण का फोटो हो, राम का फोटो हो, शिव का फोटो हो, जरूरी नहीं कि आपके यहाँ अगर मूर्ति नहीं है तो आप मूर्ति खरीदने बाजार चले जाओ, चित्र है वो चित्र पर भी दिल से समर्पित कर उस बेलपत्री और शहद, बेलपत्री और तुलसी दल को रखिए। अगर साल भर वैसे ही रखना है किसी कार्य के लिए तो वैसे रखो, और अगर बच्चों के लिए तैयार कर रहे हो तो उसको शहद में डालकर रखकर बच्चों को अवश्य चढ़ा, विद्वत्ता के लिए, बुद्धि के लिए।